गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू सी एस सी हेल्प डेस्क 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी एस सी के इंश्योरेंस सर्विस के बारे में। इस वीडियो में सी एस सी के जो आई सी आई सी आई लुम्बार्ड का जो थर्ड पार्टी टू व्हीलर का इंश्योरेंस है कैसे करते हैं उसमें उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप नए वीएलई हैं अभी नए नए आपने सी एस सी सेंटर लिया इंश्योरेंस का काम करना चाहते हैं तो सबसे ईजी सिंपल जो तरीका है यहाँ पे इंश्योरेंस का वो आपको आई सी आई सी आई लुम्बार्ड में मिलता है। तो मैं आपको प्रिफर करूँगा कि आप जब भी कोई भी सी एस सी का आप जो इंश्योरेंस करें पहले आप जो है आई सी आई सी आई करें। बाकी अगर आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जाना चाहते हो वो भी जा सकते हो, थोड़ा सा सस्ता भी पड़ जाएगा शायद, मगर जनरली क्या है कि सेम प्राइस सभी का यहाँ पे पड़ जाता है 1 ईयर का टू व्हीलर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सिस्टम में और आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे आपको यहाँ पे इंश्योरेंस करना है। सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में इंश्योरेंस वाले टैब में आना होगा और मोटर थर्ड पार्टी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा लास्ट में। फिर आपको यहाँ पे आई सी आई सी आई लुम्बार्ड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक हियर पे क्लिक करना है। फिर जैसे आप क्लिक करेंगे तो न्यू टैब खुलेगा, उसके बाद आपका जो डिटेल है यहाँ पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं पूरा सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए आपको यहाँ पे न्यू बाइक का न्यू व्हीकल का आपको इंश्योरेंस करना है तो वो भी आप करेंगे तो नीचे देखिए दो ऑप्शंस है। अगर आप न्यू वाले पे करेंगे और टू व्हीलर पे करेंगे थर्ड पार्टी तो ये देखिए इस पर क्लिक करके आप गेट उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो डिटेल है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे खुल के आएगा। आप देख सकते हैं न्यू लिख के आएगा यहाँ पे और आप सारी चीज़ें यहाँ पे फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब भर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कैसे आपको जो है थर्ड पार्टी का करना है, जैसे पुरानी बाइक जो है उसका अगर आपको करना है तो कैसे करना है। फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको होम पे जाना होगा तो ऊपर यहाँ पे बैक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर बैक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए टू व्हीलर थर्ड पार्टी, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों देखिए रिन्यूअल वाला और फ्रेश डिटेल वाला दोनों पे ही सेलेक्ट रहेगा। फिर यहाँ पे गेट पे क्लिक करना है। फिर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब फिर से खुलेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए न्यू वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और गेट आरटीओ डिटेल पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे गेट आरटीओ करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे आता है। तो चलिए मैं भर लेता हूँ पहले इसको, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है, उसके बाद गेट आरटीओ करेंगे, देखिए सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो गई ऑटोमेटिक। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक मेन है आप नीचे देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे होल्ड और ये देखिए यहाँ पे एक्सीडेंट कवर जो है रहेगा। तो आप जब आएंगे तो हो सकता है कुछ इस तरीके से ये ना हो तो आपको यहाँ पे नो और यहाँ पे यस पे रहेगा तो आपको यहाँ पे चेंज कर देना है। और आप देखेंगे उसके बाद यहाँ पे गेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 843 रुपये यहाँ पे आएगा। देखिए ये मैंने अपने से किया हुआ था तब आ रहा था, आप जब आएंगे पहली बार तो कुछ इस तरीके से क्लिक रहेगा और यहाँ पे पहला वाला नो और दूसरा वाला यस रहेगा तो 1433 रुपये लगेगा। इसमें क्या होता है कि आप भी कवर रहेंगे और जिसका एक्सीडेंट रहेगा उसका भी कवर रहेगा। तो इस तरीके से तो आपको क्या करना होगा, पहला वाला यस दूसरा वाला नो करना है। अगर बंदे को सबसे सस्ता करना है तो इस तरीके से करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए सारी डिटेल यहाँ पे सेम रहेगी। अगर आप यहाँ पे नॉमनीस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से नॉमनीस भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते हैं तो उसको आप हटा देंगे। ये देखिए उसके बाद यहाँ पे नॉमनीस अगर ऐड करेंगे तो उनका जो है नॉमनीस का डेट एज भरना है, उसके बाद यहाँ पे ये सब डिटेल करना है तो ये जल्दी कोई करता नहीं, उसके बाद आप यहाँ पे छोड़ देंगे। अब उसके बाद केवाईसी डिटेल में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवाईसी आपको करना ही करना है। केवाईसी उनको करना है जो जो यहाँ पे इंश्योरेंस कराने आए हैं, जिनके नाम से गाड़ी है उन्हीं का यहाँ पे आप केवाईसी कर दीजिए जी। उसके लिए आपको क्या करना है, पैन कार्ड लेना हो, पैन कार्ड में यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालना है और उनका यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ पे देखिए मैं फॉर एग्जांपल के लिए अपना पैन कार्ड डाल के यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ में आएंगे, ईयर आपको ऊपर थोड़ा सा जाना है, इसको ले के क्लिक करके दबाए हुए ऊपर जाएंगे फिर छोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। देखिए धीरे धीरे करना है, नहीं तो क्या होगा कि आप जल्दी इसको कर नहीं पाएंगे। तो धीरे धीरे उसको ऊपर लेके जाएंगे और जैसे ही नीचे आएगा और जो आपका यहाँ पे सन आएगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैं 1992 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ।
ठीक है। इस तरीके से फिर इसका मंथ और डेट आप सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे तो आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे पूरी भर के आ जाएगी जी। जो पैन कार्ड में डिटेल है वही सेम आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पे सेम ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन में है कि अगर कुछ होता है तो ये आपका जो है कैंसिल माना जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ तो नो पे करके इसको सबमिट कर देंगे। फिर देखिए सारी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको अपना सिटी भरना होगा। स्टेट देखिए आ गया, तो उसके बाद सिटी आप यहाँ पे भर देंगे। तो सिटी, उसके बाद ईमेल आईडी ज़रूर भरना है और मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डालना है। बाकी जो चीज़ें स्टार नहीं है उसको आपको छोड़ देना है, ज़रूरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। बाकी जो मैंडेटरी जो भरना ही भरना वहाँ पे स्टार पे स्टार बना रहेगा तो वो आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो जो आपका जो ये अमाउंट है वो आ जाएगा, कितना आपका अमाउंट यहाँ पे लगेगा। देखिए 843 रुपये यहाँ पे लग रहा है। उसका पॉलिसी नंबर भी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करके बाय नाउ पे क्लिक करना है, बस दोस्तों इतना ही करना है। उसके बाद जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके डिजिटल सेवा पोर्टल के वॉलेट में जाएगा पेमेंट के लिए। अगर आपके वॉलेट पेमेंट नहीं रहेगा तो इस तरीके से इधर कोड आएगा। बस इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही आसान आप जो है सिर्फ 10 मिनट के अंदर यहाँ पे इंश्योरेंस कर देंगे। और बस आपको लास्ट में बस पेमेंट करना होगा। पेमेंट जैसे ही आप करेंगे तो एक आपको PDF फाइल मिल जाएगी, उसको आप डाउनलोड करके अपना स्टैम्प लगा के कस्टमर को दे सकते हैं। जी हाँ, आप कस्टमर स्टैम्प जरूर लगाएं ताकि यहाँ पर पता चल सके कि आपने इस CC सेंटर से यहाँ पर इसको इंश्योरेंस किया है। बस दोस्तों बस इतना ही करना होता है। उसके बाद आप उसको कॉपी दे देंगे और उसको भी उसका भी काम हो जाएगा और आपका भी यहाँ पे काम हो जाएगा और आपको जो कमीशन है वो बाद में आपके वॉलेट में जुड़ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप CSC में जो है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस टू व्हीलर का कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करें। और अब आपको कुछ और भी दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, जेन्युइन वीडियो, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।